सो फाइनली गाइज यार Xiaomi की तरफ से 12 सीरीज का एक और नया स्मार्टफोन फिलहाल के लिए तो लॉन्च कर दिया गया है ग्लोबल मार्केट में, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है ये आपको इंडियन मार्केट में भी बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन का नाम है यहाँ पर Xiaomi का 12 Lite 5G। वैसे दोस्तों स्मार्टफोन की क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली हैं, ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलता है, साथ ही साथ इस स्मार्टफोन को किस प्राइस पर ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है और ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में किस प्राइस पर देखने को मिल सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। आगे चल करके झगड़ा वगैरह ना हो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी पहले जान पहचान कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है ये आपको मिलने वाला है प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक बैक के साथ में, हालांकि फ्रंट में आपको यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, साथ ही में यहां पर आपको IP53 की रेटिंग भी दी गई है जिसका मतलब कि डस्ट और स्प्लैश प्रूफ का प्रोटेक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। तो भाई हल्का फुल्का आप इसे नहला सकते हैं, वहां पर आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। बिल्ड क्वालिटी फ़ोन की आपको यहां पर काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। डिज़ाइन की बात करें भाई तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है लुक के मामले में तो काफ़ी कमाल का दिया गया है। बैक साइड में आपको यहां पर रेक्टेंगुलर शेप के साथ में मिल जाएंगे 3 कैमरा, साथ ही में आपको यहां पर LED फ्लैश और नीचे की तरफ Xiaomi की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो भाई फ्रंट में आपको यहां पर सेंट्रली अलाइन पंच होल कटआउट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, यानी कि माथे पर छोटी सी बिंदी देखने को मिलने वाली है, साथ ही में पतले से चिन्ह पतले बिजल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फ़ोन के आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं, दोनों से आपको यहाँ पर कोई भी खास शिकायत नहीं आएगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जान पहचान तो कर ली है, लेकिन जान पहचान से हमें ये नहीं पता चलने वाला कि ये जो स्मार्टफोन है एक्चुअल में आपको यहाँ पर कैसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए थोड़ी सी खोज खबर और करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर फोन के डिस्प्ले यानी फोन के चेहरे की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली 12 बिट की AMOLED डिस्प्ले। तो भाई 10 बिट के अंदर आपको यहाँ पर 1 बिलियन कलर देखने को मिलते हैं, लेकिन 12 बिट के अंदर आपको यहाँ पर 68 बिलियन कलर देखने को मिल जाते हैं, जिसका मतलब हुआ भाई कि आपको यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही में HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वाइड बाइन L1 का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ में 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो और लगभग 402 PPI डेंसिटी का आपको यहाँ पर सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले आपको यहाँ पर सुपर्ब देखने को मिलने वाली है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर 950 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो इंडोर और आउटडोर में भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। गेमिंग की बात करें तो 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई डिस्प्ले एक ऑलराउंडर है, आपको यहाँ पर डिस्प्ले से तो कोई शिकायत नहीं आएगी, चेहरा आपको यहाँ पर काफ़ी हैंडसम मिलने वाला है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फ़ोन की आँखों के बारे में। तो भाई बैक साइड में लगे हुए हैं 3-3 आँखें, जहाँ पर जो बड़ी वाली आँख आपको दिख रही है ना वो है 108 मेगापिक्सल की। वैसे दोस्तों यहाँ पर आपको सैमसंग का HM2 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है, हालांकि आपको यहाँ पर कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया, आपको यहाँ पर EIS का सपोर्ट ही देखने को मिलेगा। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो भाई कैमरा सेटअप में कुछ नया तो नहीं दिया गया, लेकिन देखा जाए तो कैमरा सेटअप फ़ोन का अच्छा दिया गया। वहीं पर अगर हम बात कर ले वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, सो भाई आप यहां पर बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। वहीं पर सेल्फी कैमरा से आप यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 60 FPS। तो ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल फ़ोन का यहां पर अच्छा दिया गया है, उसमें आपको यहां पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। तो भाई देखा जाए तो चेहरा और आँखें दोनों ही आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन क्या फ़ोन का जो ब्रेन है भाई वो इन दोनों को अच्छे से परफॉर्म करवा सकता है या नहीं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 778G का 5G चिपसेट। जी हाँ दोस्तों ये चिपसेट 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन के साथ में आता है, तो हीटिंग तो कम मिलती ही है, साथ में बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है और वैसे फ़ोन के अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। इन अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करें तो दोस्तों ये जो चिपसेट है ये बना हुआ है ARM V8 के आर्किटेक्चर पर,
जहां पर आपको मिल जाते हैं टोटल 8 कोर और इन 8 कोर को डिवाइड किया गया है ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर में। पहला कोर आपको मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज पर कोर्टेक्स A78 का, जो कि आपके हाई परफॉर्मेंस टास्क को यहां पर मैनेज करता है। बाकी के तीन कोर आपको मिलते हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज पर कोर्टेक्स A78 के, जो कि आपके मीडियम टास्क को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा बाकी के जो बचे हुए चार कोर हैं वो आपको मिल जाते हैं 1.9 गीगाहर्ट्ज पर कोर्टेक्स A55 के, जो कि आपके लोअर टास्क और पावर एफिशिएंसी को यहाँ पर मैनेज करते हैं। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है, हैवी टास्क वगैरह भी आप यहाँ पर काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के लिए दिया गया है एड्रेनो 642L का GPU। हालांकि सिर्फ दो ही कोर का GPU है, लेकिन आपको गेमिंग काफ़ी अच्छी करा देता है। वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग जैसे टास्क भी आप यहां पर इजीली कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस मॉड्यूल फ़ोन का आपको यहां पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो दोस्तों, ब्रेन तो यहां पर अपना काम धमाकेदार करने वाला ही है, लेकिन स्मार्टफोन के हाथ और पैर भी उसका साथ देना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के रैम और स्टोरेज के बारे में। तो इस फ़ोन के अंदर आपको मिलने वाली है 6GB की रैम, जहां पर रैम की क्वालिटी दी गई है LPDDR4X। साथ ही में स्टोरेज की बात करें तो 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज आपको मिल जाएगी और स्टोरेज की क्वालिटी है UFS 2.2। सो भाई देखा जाए तो यहाँ पर पढ़ने और लिखने में फ़ोन होनहार होने वाला है। आपको यहाँ पर पढ़ाने और लिखाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ऐप लोडिंग टाइम भी आपको यहाँ पर काफ़ी फास्ट निकाल कर दे देगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉड्यूल से आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे दोस्तों, स्मार्टफोन के अंदर आपको सभी कुछ काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लेकिन ये जो फ़ोन है यार, ये थोड़ा सा कम खाता पीता है। इस फ़ोन के अंदर आपको दी गई है 4300mAh की बैटरी। जी हाँ दोस्तों, साइज़ में थोड़ी सी छोटी है और अगर आप यहाँ पर नॉर्मल यूज़र होंगे तो आपको यहाँ पर लगभग एक दिन का बैकअप तो मिल ही जाएगा। साथ ही में ये फ़ोन यहाँ पर 67 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलेगी। तो भाई पेट तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन बैटरी को खिलाने की जो ताकत है वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फ़ोन के पहनावे की। तो भाई यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। 3.5mm का जैक फ़ोन के अंदर नहीं दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्लिम फ़ोन होने वाला है, सो आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक नहीं मिलेगा। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स जरूर मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको ऑडियो की जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और रही बात दोस्तों कार्ड ऑप्शन की, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला। मतलब कि आपको यहाँ पर एक साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 5G SIM ही लगाने का ऑप्शन मिलेगा और जो भी इंटरनल मेमोरी होगी उसी से आपको यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं फ़ोन की आत्मा की। तो दोस्तों, स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलेगा एंड्रॉयड 12 आउट द बॉक्स, जहां पर आपको मिलने वाला है MIUI 13। वैसे दोस्तों, MIUI 13 यार पहले के मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है। आपको यहां पर सॉफ्टवेयर से भी कोई खास शिकायत नहीं आने वाली है। और रही बात दोस्तों फ़ोन की लॉन्च डेट की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्मार्टफोन ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है और अब बहुत ही जल्द ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। रही बात प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ में स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है अराउंड यहां पर 32,000 रुपये की प्राइस पर। लेकिन भाई ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट की जो प्राइस होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होता है। कहीं ना कहीं ये जो स्मार्टफोन है ये आपको अंडर 30,000 रुपीज़ की प्राइस पर देखने को मिल सकता है। वैसे 30,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो फ़ोन कहीं ना कहीं डिसेंट ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी मिल रही है, कैमराज अच्छे मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी दी गई और बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यार 30,000 रुपये के हिसाब से क्या ये स्मार्टफोन एक बेस्ट स्मार्टफोन होगा या नहीं? तो भाई इस बजट के अंदर हमें 870 जैसे प्रोसेसर मिलते हैं, सुपर एमोलेड जैसी पैनल मिल जाती है, OIS का सपोर्ट भी मिल जाता है और वही बात दोस्तों चार्जिंग स्पीड की, तो वो भी आपको काफ़ी कमाल की मिल जाती है, उसमें भी कोई शक नहीं है। तो भाई आप मुझे बताइए कि क्या ये जो स्मार्टफोन है 30,000 रुपये के हिसाब से एक ऑलराउंडर या फिर वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, वो मुझे आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी देखना यार कि आप लोग स्मार्टफोन को लेकर के क्या सोचते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।